बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बहुत ही खूबसूरत सी बैन गले के साथ शर्ट रेडी करूँगी। तो ये देखें, ये इस तरह से मैंने मिरर लिए हैं इस पर लगाने के लिए। ये एक पूरी लच्छी थी, मैंने उतार कर खोल कर इस तरह से ये कागज़ के ऊपर इस तरह से इसको रोल कर लिया ताकि ये ख़राब ना हो, क्योंकि ये आपस में इस तरह से चिपकते हैं तो ये ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से ये देखें मैंने इनको कर लिया है। तो शर्ट की जो लंबाई मैंने रखी है वो मैं आपको बता देती हूँ। 39 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी है, तो तकरीबन मुझे 37.5 इंच से तैयार करना है। आधा इंच ऊपर सिलाई में मार्जिन चल जाएगा, 1 इंच नीचे फोल्डिंग के लिए मैंने रखा है। इसकी चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कितनी रखी है। तो चौड़ाई इसकी मैंने टोटल रखी है 23 इंच। ये देखें 23 इंच रखी है, तो 1 इंच मैंने सिलाई का मार्जिन रखा है फोल्डिंग के लिए। 21 इंच 21 इंच टोटल मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। 7.5 इंच मैंने इसका तीरा तैयार किया है। देखें 7 इंच मुझे तैयार करना था, आधा इंच मैंने सिलाई का मार्जिन रखा है। पहले मैं यहाँ गले के लिए इसकी कटिंग करूँगी, तो यहाँ से 3 इंच मैं इधर से गला रखूँगी। तो यहाँ 3 इंच पर मैं इस तरह से निशान लगाऊँगी, तो 3 इंच इधर से मैं निशान लगाऊँगी इस तरह से। 3 इंच मैंने इधर से निशान लगाया, 3 इंच मैंने इधर से निशान लगाया। तो यहाँ से इस तरह से रखकर 3 इंच पर मैं निशान लगा लूँगी। तो देखिए मैंने निशान लगा लिया। अब इसको मैं थोड़ी सी इस तरह से बिल्कुल गोल शेप नहीं देनी, थोड़ी सी मैं इसको वी की शेप दूँगी इस तरह से। तो देखें अब मैं इसके नीचे जो मैंने इसमें थोड़ा सा वी कट के साथ बैन लगाना है उसकी कटिंग करूँगी। तो इसके लिए ये मैंने 12 इंच मैंने लंबाई में प्रेस को लिया है, और इसकी चौड़ाई जो मैंने रखी है वो 2 इंच रखी। इस तरह से मैंने आधे इंच का निशान लगाऊंगी एक। यहाँ से मैंने इसको 4 इंच पर निशान लगाना है, यहाँ पर एक निशान। तो इस तरह से मैं इसको इसके साथ मिला दूंगी। ये देखें तो यहाँ से एक लाइन लगा दूंगी मैं सीधी। तो जो निशान यहाँ पर लगाया है ये निशान इस साइड पर मैं इस तरह से लगाकर इसको भी इसके साथ इस तरह से मिला दूंगी। ये देखें तो देखें प्रेस को इस तरह से मैंने पेस्ट कर लिया है। ये देखें तब इसके आउटसाइड में सिलाई लगाऊंगी। फिर मैंने सिलाई लगा ली और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैं कटिंग कर दूंगी। तो यहाँ से इस तरह से मैं इसको हल्की सी शेप दे दूंगी इस तरह से। ये देखें जितना मुझे इसको बढ़ा के रखना था उतना मैंने इसको कटिंग कर दी है। यहाँ सेंटर पर मैं एक पिन लगा दूँगी, यहाँ सेंटर पर मैं इधर लगाऊँगी इसको। तो अब मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी। देखिए इसके ऊपर मैंने सिलाई लगा ली, अब इसके दरमियान से मैं कटिंग कर दूंगी। तो देखें दोनों साइड से मैंने कपड़ा कट कर लिया इस तरह से। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ऑल का बटन प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो ये देखें अब इस तरह से मैंने इसको अंदर की तरफ इस तरह से टर्न कर देना है। तो फोल्ड करके अब इसके ऊपर प्रेस लगाऊंगी मैं। तो अब इसको पहले मैं तरपाई लगाऊंगी यहाँ पर इस तरह से। तरपाई लगाने के बाद इस पर मैं मिरर अटैच करूँगी कि मैंने किस तरह से इसके ऊपर मिरर लगाने हैं। तो ये देखिए मैंने इसको सीधा करके इस तरह से प्रेस कर लिया, और ये मैंने एक किस तरह से चौड़ी पट्टी रेडी की है। तो इसकी मैं आपको चौड़ाई बता देती हूँ कि कितनी रखी। ये देखिए 1.25 इंच के करीब मैंने इसकी चौड़ाई रखी। इस तरह से मैंने इसको गुम सिलाई में रेडी कर लिया। तो इसके नीचे इस तरह से लगाने के लिए देखिए यहाँ से मैं 1.5 इंच पर अपने गले का निशान लगाऊँगी इस तरह से। दोनों को इकट्ठे रखकर इस तरह से मैंने निशान लगा लिया। इसको मैं इसके नीचे रखूंगी और यहाँ से रखकर इस तरह से मैं सिलाई लगा दूंगी इस पर।
देखें इसको मैं इस तरह से रख कर लगाऊंगी। सबसे पहले आपने इसको इस तरह से सेट कर लेना है यहाँ से एंड से, ताकि दरमियान में इस तरह से एक मिरर आ जाए। ये देखें इस तरह से आपने रख लेना है इसको यहाँ इस तरह से। ये देखें बिल्कुल एंड पे मैंने रखा है, तो इस तरह से इधर से इसको इस तरह से घुमा लेना है। यहाँ आपने इसको इस तरह से अच्छे से सेट कर लेना है। ये इस तरह से इसके साथ साथ रख लेना आपने। तो अब इसके ऊपर मैं लॉन का ये पीस रखूँगी। इस तरह से ऊपर रख के आपने इसको अच्छे से प्रेस करना है। कर लेना है तो अब आपने आराम से उठाना है, ताकि ये साथ में उठ ना जाए। इनको ठंडा होने के लिए आपने आधा घंटा छोड़ देना, ताकि अच्छे से गम चिपक जाए। तो देखें इसको आधा घंटा मैंने छोड़ दिया था, तो ये अच्छे से चिपक गया है। ये देखें इस साइड से भी। तो अब ये वाला शीशा मैं निकाल दूंगी, क्योंकि यहाँ पर हमारी सिलाई आएगी बैन की। देखें ये भी इसी तरह से निकाल दूंगी। तो अब दोनों शोल्डर पर इस तरह से मैं सिलाई लगा लूंगी। दोनों शोल्डर मैंने अटैच कर लिए। तो अब यहाँ से इस तरह से मैं पकड़कर जितनी ये मेरी सिलाई आई है इतनी मैं कटिंग कर दूंगी इसकी। यहाँ से आपने कटिंग से पहले दोनों शोल्डर इस तरह से बराबर करके इनको पिन अप कर लेना है, ताकि ये कहीं भागे ना। तो अब इसकी मैं जितनी मेरी ये सिलाई आ रही है इसके हिसाब से मैं इस तरह से इसकी कटिंग कर दूंगी। ये देखिए, तो यहाँ से मैं अपने जो मैंने को बैन लगाना है उसकी मेजरमेंट करूँगी। तो इस तरह से पकड़कर यहाँ तक आपने इस तरह से इसकी मेजरमेंट कर लेनी है। पंद्रह इंच का मैंने कॉलर बैन तैयार करना है, तो 15 इंच का मेरा पूरा बैन बनता है। तो देखिए बैन बनाने के लिए ये मैंने टफ बुकरम की दो पट्टियाँ ली हैं। तो यहाँ से 15 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी, मैंने सीधा कर लिया। तो यहाँ से इसको हल्की सी मैं राउंड शेप दे दूंगी। तो इस पट्टी पर भी सेम इसी तरह से मैं राउंड शेप देकर इसको कपड़े पर पेस्ट कर लूँगी। ये देखिए मैंने इसको इस तरह से पेस्ट कर लिया अच्छे से शावर लगा के। तो इसको पेस्ट करने की शॉर्ट वीडियो मेरे दूसरे चैनल उसको फैशन लाइफस्टाइल शॉर्ट पर मिल जाएगी आपको। तो ये देखें अब इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर मैं एक सिलाई लगाऊँगी पहले। तो देखें मैंने ये वाली सिलाई यहाँ पर लगा ली थी इस तरह से, तो अब यहाँ पर मैं सिलाई लगाऊंगी। तो देखिए दोनों साइड पर मैंने सिलाई लगा ली। तो अब सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से थोड़ा थोड़ा छोड़ते हुए मैं इसको कटिंग कर दूंगी दोनों साइड से इस तरह से। और यहाँ भी मैं सिलाई का मार्जिन छोड़कर साथ साथ इसको कटिंग कर दूंगी। इस तरह से इसको पलट देना दोनों साइड से। तो अब इसको इस तरह से दोनों साइड से पकड़कर मैं यहाँ सेंटर में एक हल्का सा कट लगा दूंगी। कमीज़ की आपने उल्टी साइड रखनी है, सेंटर में एक पिन लगा लेनी है यहाँ इस तरह से। तो यहाँ से मैं सिलाई लगाऊंगी। यहाँ आपने बिल्कुल इस तरह से इसके ऊपर चढ़ा कर नहीं रखना, थोड़ा सा आप इसको पीछे रखें इस तरह से। तकरीबन 100 तो आपका बहुत अच्छा सा बैन आगे से सेट आएगा। यहाँ आपने बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है इस जगह पे जो शोल्डर का ज्वाइंट आता है, ताकि यहाँ से आपके खिंचाव ना पैदा हो। तो देखें अब इस तरह से सीधी साइड मैंने इसको पलट दिया इस तरह से। अब इसके ऊपर रखकर मैं सिलाई लगा दूंगी।
देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा सा बयान बन के रेडी हो गया, कोई जौल कोई खिंचाव नहीं कहीं पे। ये देखिए ये 15 इंच का मैंने बयान रेडी किया है, 1 इंच यहाँ से मेरा खुला गया। टोटल अगर मैं इसको पूरा राउंड बनाती तो ये 16 इंच का होता, तो यहाँ से 1 इंच मेरा कम हो गया क्योंकि यहाँ से थोड़ी सी मैंने वी शेप दी इसको, तो 15 इंच का मेरा बयान रेडी हो गया। बहुत ही प्यारा सा बयान रेडी हुआ वीडियो। तो अब मैं आपको इसको मुकम्मल करके इसके फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो देखिए माशाल्लाह से फाइनली शर्ट बन के रेडी होगी। देखिए कितनी खूबसूरत शर्ट बनी है। तो इस तरह से गले पर मैंने ये लेस लगाई, बैन इसका देखिए कितना प्यारा बैन बना है। 15 इंच का बैन रेडी किया मैंने, मोस्टली हम 16 इंच का बैन पहनते हैं, तो 1 इंच का दरमियान में ये थोड़ा सा मैंने वी बनाया था। तो इसका नीचे देखें दामन पर इस तरह से मैंने 2 लाइनें लेस की लगा दी, इस तरह से मिरर वर्क, ये मिरर लेस थी। तो बाजू देखें इस तरह से, बाजू के आगे मैंने इस तरह से ये मिरर लेस लगा दी और ऊपर बाजू पर मैंने हल्की सी चुनर डाल दी है। ये देखें थोड़ा सा पफ सा बन जाता है, तो बहुत ही प्यारी शर्ट लगती है। इसकी बैक देखें, बैक इसकी सिंपल ही है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।